हाय हाय किया जा रहा है। वी वांट जस्टिस, 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 हाय 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 हाय। मैं एक टीचर हूं और ये स्टूडेंट सभी जो हमारे साथ हैं ये टेक्निकल बोर्ड के स्टूडेंट हैं, पॉलिटेक्निक कर रहे हैं और इनका जो इशू है ये है रीचेकिंग के रिलेटेड। जो टेक्निकल बोर्ड है इन्होंने हिटलर की पॉलिसी को फॉलो किया हुआ है। हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इन बच्चों को की आवाज़ को कुचला जा रहा है और इन बच्चों के जो हक हैं, इन बच्चों के जो राइट्स हैं उसको ख़त्म कर रही है टेक्निकल बोर्ड। इनको रीचेकिंग नहीं भरने दे रहे और आंसर की इन्होंने खुद गलत निकाली हुई है। ये बच्चे बोल रहे हैं हमारे मार्क्स ज़्यादा बनते हैं, इनको रीअपेयर कर दिया। और जब ये बात मीडिया के थ्रू आगे गई तो इन्होंने नेक्स्ट पेपर जो थे उसकी नोटिफिकेशन निकाल दी। कोई भी चीज़ नोटिफिकेशन के रिलेटेड नहीं, ये नोटिफिकेशन से नहीं कर रहे, सब कुछ गैर संवैधानिक कर रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं हमारा जो SRO 109 को वायलेट कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले को वायलेट कर रहे हैं जो रीचेकिंग का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। तो ये जो मनमानी है टेक्निकल बोर्ड को, इसको वापस लेना चाहिए। बच्चों का जो फ्यूचर जो स्पॉइल कर रहे हैं इसको नहीं करना चाहिए।